बिल्कुल, अलवर की तस्वीर की अगर बात की जाए तो अलवर की जो तस्वीर रही वो पूरी तरह से साफ रही, और जो आज चुनाव का मतदान प्रतिशत रहा वो काफी कम देखने को मिला है। शांतिपूर्ण मतदान पूरे अलवर जिले में हुआ है और 2736 बूथों पर जो ये मतदान हुआ है आज पूरी तरह शांतिपूर्ण हुआ है। 6 बजे सभी जगहों पर गेट बंद कर दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुझान है मतदान का वो कम नजर आया है। और अभी जब 5 बजे तक के जो आंकड़े पेश हुए थे उसमें जिले भर में 53% मतदान हुआ, जिसका अगर अपन 10% भी अगर जोड़ते हैं तो ये करीब 60 के आसपास ही अभी तक जाकर पहुंचेगा। लेकिन अभी भी कहीं भी मतदान केंद्रों पर भीड़ लगने जैसी और मतदाताओं के वोट रह जाने जैसी स्थिति कहीं सामने नजर आई है। हम मौजूद हैं एक बूथ पर जहां पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और ये जो गेट है इसको भी बंद कर दिया गया है, और यहाँ से अब लोगों का आवागमन जो है बंद है, कोई मतदान अब नहीं कर सकता है। और जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगाए हुए थे पोलिंग बूथ पर, वो सभी ने यहाँ पर पूरी तैयारियों को लेकर के जो सुबह से व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, पूरी पोलिंग यहाँ पर हुई है। और जो अब ईवीएम मशीनें हैं उनको पैक किया जा रहा है, ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अब यहाँ पर मतगणना केंद्र पर पहुँचाया जाएगा, जहाँ पर 4 जून को मतगणना होनी है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र के पास चलते हैं, दौसा से देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, कहां पर आप मौजूद हैं और दौसा में क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर आपने देखा? सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो वोटिंग हुई है, कैसी तस्वीर वहां पर रही, मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिला है? बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दौसा लोकसभा सीट है इसके अंदर जो मतदाता है उनका रुझान कम दिखा है, यहाँ का वोट परसेंटेज है वो कम रहा है। अभी जब 5 बजे तक सायंकाल के जो आए उसके अंदर केवल 46% ही मतदान हो पाया है। जो वर्ष 2019 के अंदर 61.8 अगर 10% भी अगर जोड़ते हैं तो 55% ही लोकसभा का सीट रहेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर रुझान कम दिखा, इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जो सावे है शादी ब्याह के और जो विवाह होने हैं उनको लेकर यहाँ पर लोगों में उत्साह कम दिखा है। जो बात करें जो शहरी वर्ग की, तो शहरी वर्ग के अंदर अच्छा खासा वोटिंग हुआ है। अब देखते हैं कि आगे वाला जो आने वाली जो 4 जून उसके अंदर तस्वीरें साफ होंगी, साथ में जो महिला मतदाता है उनका भी काफी जो रुझान है वो मतदान के लिए काफी उत्साह दिखा है, बुजुर्ग में भी और युवाओं के अंदर भी देखा गया। लेकिन वोट प्रतिशत कम होने के चलते जो जागरूकता तो थी, लेकिन जागरूकता के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर मतदान कम हुआ है। जी शिवानी, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ललितेश से जरा भरतपुर का अपडेट ले लेते हैं, कैसी तस्वीर वहां पर देखने को मिली, किन मुद्दों को जहन में लेकर मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे, कैसी व्यवस्थाएं पोलिंग बूथों पर देखने को मिली और मौसम का क्या असर पड़ा है वोटिंग परसेंटेज पर? बिल्कुल देखिए शिवानी, जो मौसम है गर्मी का मौसम था, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भरतपुर में शाम 5 बजे तक 45% के आसपास वोटिंग हुई है। हालांकि जैसे ही मौसम ठंडा हुआ तो लोग घरों से निकले और मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मैं मतदान केंद्र भाग संख्या 116, 114, 115 पर मौजूद हूँ, जहां ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया है और थोड़ी देर में यहां सुरक्षा के बीच में मतगणना केंद्र पर ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हर साल जो मतदाता थे वो बिल्कुल सुबह की बात की जाए तो सुबह मतदाताओं में उत्साह देखा, लेकिन जैसे जैसे तेज धूप पड़ी या गर्मी का मौसम चरम पर हुआ तो मतदाता कहीं ना कहीं घर रुके और उसके बाद में शाम को वो वोट डालने के लिए निकले थे। जी शिवानी, ठीक है, एक बार फिर से मुदित का रुख कर लेते हैं। मुदित, देखिए आंकड़े इस बार जो है मतदाताओं के जो जारी हुए थे उसमें इजाफा देखने को मिला था, हर वर्ग के लोगों में उत्साह जो देखने को मिला है, जो तस्वीरें सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिली, क्या हर वर्ग के लोगों का पहुंचने का सिलसिला सुबह से वैसा ही था? बताना चाहूंगा कि जो आज सुबह से जो सिलसिला था लोगों का लगातार शुरुआती दौर में एक बार सुबह लोगों का निकलना शुरू हुआ, मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का उपयोग करने का जो प्रयास था लोगों का जल्दी से जल्दी पहुंच करके करने का था वो उन्होंने किया है। और जो सभी वर्गों की अगर बात की जाए तो सभी वर्गों ने अपने इस लोकतंत्र के उसमें आहुति दी है और अपना मतदान का उपयोग किया है। तो लेकिन जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं गर्मी के चलते 12 बजे बाद धीमा पड़ चुका था और उसके बाद से लोगों ने निकले, उसके बाद धीरे धीरे लोग निकलते रहे। हम यहाँ मौजूद जिस बूथ पर हैं, यहाँ पर BLO हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे क्या पूरा रुझान यहाँ दिन भर का रहा। सर, आप यहाँ पूरे दिन रहे, किस तरह का रुझान रहा, क्या महिलाओं की भागीदारी रही, किस तरह से वोटिंग के लिए लोग आए? सुबह से शांतिपूर्ण आराम से मतदान हुआ और सबने ही अपने स्तर से बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया।
लेकिन कुछ मतदाता हैं जो बाहर रहते हैं या किसी और कारण से अपने व्यवसाय के कारण वो नहीं आ पाए। मुख्यतः आप क्या मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण क्या है? कि यहाँ पर कुछ मतदाता हैं जो बाहर रहते हैं और व्यवसाय करते हैं वहाँ पर, और उसकी वजह से वो नहीं आए यहाँ पे। इस बार कितना प्रतिशत रहा है आपके मेरे बूथ पर? जो कुल मतदाता हैं 1458 है, 1452 है सॉरी, और 848 वोटर्स ने अपना वोट का उपयोग किया है और ये 58.40% मतदान है। जी बिल्कुल, इन्होंने साफ किया कि अब जो मतदान प्रतिशत है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन जो स्थिर रहा है अभी मतदान प्रतिशत, और ये अभी गर्मी के चलते इसका काफ़ी असर देखने को मिला है। और अभी यहाँ पर बात की जाए तो वीवीएम मशीनें जो है वो पैक हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ पर हथियारबंद जवानों को तैनात किया हुआ है। ये हथियारों के बंद जवानों के साथ ये सारी ईवीएम मशीनें अब मतगणना स्थल पहुंचेंगी। जो हमारे साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं। आप सुबह से यहाँ लोगों को सुरक्षा में लगे हुए हैं, किस तरह का माहौल रहा? माहौल तो शांतिपूर्ण ही रहा, लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं रही, कोई नहीं, बिल्कुल आराम से आते रहे, दिन भर चलता रहा, धीरे धीरे लोग आते धीरे धीरे आते रहे। कम रहा इस बार मतदान, जो उससे वजह से लोगों को आसानी रही काम? कम तो नहीं, दिन की जैसे सुविधा उस हिसाब से आए। गर्मी दोपहर में ज्यादा थी इसलिए लोग कम आए। हाँ, दोपहर में तो फिर कम ही था, कम हो गया था। दो घंटे सुबह तो लोग बाग आए, क्योंकि धंधे पे जाते हैं लोग बाग, तो अपने तो अभी 6 बजे जब बंद हुआ उसके बाद भी कोई लोग आए थे? उस टाइम आए, फिर ये 4 बजे बाद आने लगे, फिर 4:30 बजे उसके बाद फिर कोई नहीं, उसके बाद कोई एंट्री भी नहीं और आए भी नहीं। अभी जो 6 बजे जब मतदान केंद्र को बंद किया गया और जो मतदान है उसको खत्म किया गया, उसके बाद लोगों को एंट्री नहीं दी गई, लेकिन फिर भी लोग नहीं आए। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो पूरे जिले भर में, अलवर जिले की अगर बात करें तो पूरे अलवर जिले में शांतिपूर्ण मतदान रहा है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जयपुर ग्रामीण से हमारे सहयोगी सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, कैसी तस्वीर वहां पर रही? ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिला? वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? ताजा अपडेट के साथ दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं कई बूथों पर गया सुबह से, अलग अलग जगहों पर वोटरों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला, इसके जो आंकड़े हैं वह भी उसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि मैं जिस बूथ पे गया सबसे आखिर में, वहां पे उस बूथ पे जरूर करीब 60% के आसपास पोलिंग पहुंची थी, लेकिन बाकी बूथों पे यह आंकड़ा बहुत संतोषजनक नहीं था। तो जाहिर तौर पे यह देखने को मिला कि वोटरों में इस बार उस तरह का उत्साह नहीं था, और इसलिए जो आंकड़े प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी आए हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि इस बार का आंकड़ा जो है पिछली बार से कम हो सकता है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े आने में अभी वक्त है, लेकिन देर शाम तक का जो आंकड़ा था 50% का, वह यह बताता है कि 15% का आंकड़ा अभी कहीं इतनी बड़ी कतारें भी मुझे किसी और बूथ पे नहीं मिली कि वो अचीव किया जा सकता है। बहरहाल आधिकारिक आंकड़ों का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर था कि वोटरों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। दोनों तरह के लोग मिले, कुछ लोग जो स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर के वोट करना चाहते थे, और कुछ लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और खासतौर पे जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि सुधरी है इस नैरेटिव के साथ, और उसके साथ साथ जो बाकी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको ध्यान में रख करके वोट करने की बात कही। तो हर तरह के लोग मिले, और देखना ये है कि अगर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो भारत की छवि की बात है, अगर इस तरह के नैरेटिव वोटरों में ज्यादा ऐसे वोटर आकर वोट किए हैं उन्होंने, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, वरना स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे हैं वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाले। ठीक है सोमू, बने रहिए। एक बार फिर से देवेंद्र के पास चलते हैं और देवेंद्र बताएंगे दौसा में क्या जो महिलाओं को साधने की कोशिश हमने देखी दोनों ही पार्टियों की तरफ से, इसके अलावा निर्वाचन विभाग की तरफ से भी मतदाताओं को जागरूक करने की पूरी कोशिश की गई थी, इसका क्या कुछ असर देखने को मिला? पोलिंग बूथों पर महिलाओं की कितनी भागीदारी आज देखने को मिली? बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दौसा लोकसभा जो सीट है उनके जो बूथ है 1965 बूथ है, उन पर अधिकतर जो महिलाएं हैं वो वोट कास्ट कर रही, लेकिन 11 बजे के बाद ही आ पाई सुबह। हालांकि जो बूथों पर कतार थी, लेकिन महिलाओं का जो उत्साह है वो 11 बजे के बाद देखने को मिला। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वोट परसेंटेज कम होने के चलते मतदान का जो प्रतिशत है वो लोकसभा सीट का कम रहा है, जिसके हिसाब से ऐसा
महसूस है, जो ग्रामीण है वो शायद बदलाव ना चाहते हैं, इसको लेकर ही विवाद कास्ट किया गया। हालांकि दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों के जैसे भाजपा की बात करें तो कद्दावर नेता जो जोड़ीलाल मीणा है कैबिनेट मंत्री, उनकी भी साथ दाव पर है, तो जब सचिन पायलट की भी साथ दाव पर है। दौसा जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है, इसको लेकर यहाँ पर जो भाजपा के जो कन्हैया लाल है और कांग्रेस से जो मुरई लाल है, अब इनकी जो तस्वीरें जो साफ होंगी वो 4 जून को पता लग पाएगा कि आखिर जो कौन इस दौसा लोकसभा सीट पर अपनी बांसुरी बजा पाएगा। साथ ही जो अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो वर्ष 2019 से जो आंकड़ा था वो आंकड़ा भी 2024 के अंदर जो वोट परसेंटेज है वो छू नहीं पाया। जी ठीक है, ललितेश के पास चलते हैं, एक बार भरतपुर का भी हाल जान लेते हैं कि आखिर भरतपुर में किन मुद्दों को लेकर जनता पोलिंग बूथों पर पहुंची, कितना उत्साह था उनके जहन में, क्या मुद्दे लेकर वो पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो भरतपुर में जो अपराध बढ़ा है तो उसको लेकर के भी लोगों ने मतदान किया है। दूसरी बात, जो यहाँ एनसीआर क्षेत्र में जो भरतपुर क्षेत्र आता है तो भरतपुर के जो लोग हैं वो लगातार एनसीआर से बाहर निकालने की मांग करते चले आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अगर राष्ट्रीय स्तर की मुद्दे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर है वो भी मुद्दा हावी रहा है, और धारा 370 और जो अभी सीए जो अभी आया था हाल ही में जो कानून बनाता उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये मुद्दे हावी रहे हैं। लेकिन देखा गया है कि जिस तरह से 2019 में लोगों में उत्साह देखा गया था, लेकिन वो 2024 के चुनावों में नहीं देखा गया है, क्योंकि जो लोग थे वो रुचि नहीं दिखा पाए। जी शिवानी बिल्कुल ठीक है। सोमू आनंद जयपुर ग्रामीण से हैं, सोमू से जानते हैं कि क्या मौसम का भी असर देखने को मिला है, मतदाता क्या मौसम की वजह से पोलिंग बूथों पर कम पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण रहा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे सुबह से, ऐसे में वोटर से बातचीत करने पर क्या कुछ निकल कर सामने आए। निश्चित रूप से मौसम एक फैक्टर है, लेकिन यह इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि वोटिंग प्रतिशत उसकी वजह से इतना ज्यादा घट जाए, क्योंकि पिछले बार भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो इसी गर्मी में हुए थे और लोगों ने घर से निकल करके वोट किया था। तो जाहिर तौर पे जैसा कि हमारे बाकी साथी कह रहे हैं कि इस बार वोटरों में उस तरह का उत्साह नहीं था जो हमने 2014 या 2019 के चुनाव में देखा था, और पहले से भी अगर हम देखें तो कमोबेश वोटर जो है वो इस बात को दोहरा रहे थे कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे में उनका विश्वास हो, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वे उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया है, इसलिए उनके प्रति एक आक्रोश, एक गुस्सा, एक नाराजगी जाहिर तौर पर थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश की कि बड़े पैमाने पर सांसदों के टिकट भी काटे, लेकिन फिर भी उसका बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ पार्टी को नहीं दिख रहा है। वो असंतोष जो है जिन इलाकों में था वहां पर कमोबेश व्याप्त रहा है, इस वजह से बड़े पैमाने पर वोटर जो है वो नाराज रहे, उन्होंने उदासीनता दिखाई। वही अगर हम कांग्रेस के तरफ की वोटरों की बात करें, जो वोटर कांग्रेस को वोट करना चाहते थे या फिर कांग्रेस के पारंपरिक रूप से वोटर रहे हैं, तो उनकी बात की जाए तो देखिए उनमें भी जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का और यानी कि कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं वो पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम देखने को मिले हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।